तो महाराष्ट्र में अखिलेश यादव और महाविकास अघाड़ी यानी कि जो वहां का इंडिया गठबंधन है उसके बीच नहीं बनी है बात। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितनों पर फ्रेंडली फाइट होगा ये हम आपको बताएंगे, और क्या है महाराष्ट्र में अखिलेश यादव का स्टेक हम समझेंगे। इसके अलावा करहल चुनाव में अनुजेश की पत्नी संध्या यादव अभी तक प्रचार नहीं कर रही, लेकिन परिवार ने क्या कहा है, क्या वो चुनाव प्रचार करेंगी या खुद को अलग रखेंगी ये भी जानेंगे। और आखिर में सुल्तानपुर लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, नाम अंकित यादव है और इस बार कोई एनकाउंटर नहीं सिर्फ गिरफ्तारी। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो कई दिनों के माथापच्ची और मंथन के बाद अब यह तय हो गया कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम 3-4 सीटों पर बात बन जाएगी, बात बनी नहीं। और अब समाजवादी पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया है कि 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, और 5 सीटों में भी 2 सीटें वो हैं जो उनके पास पहले से, जिस पर उनके विधायक हैं, जिस जैसे अबू आजमी जैसे लोग। लेकिन जो 3 सीटें हैं वो 3 सीटें अलग हैं। एक इस बार मालेगांव में अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, धूले में अपना अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार दिया है, और एक और सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होगी। और उसके पीछे भी तर्क है कि कई सीटों पर तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी जो शरद पवार की है, इनके बीच भी फ्रेंडली फाइट है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने मजबूत जगह पर आखिर चुनाव क्यों न लड़े। तो अब ये मान लीजिए कि आज आखिरी दिन है नामांकन का, और ऐसे में 5 नामांकन समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी को लगता था कि तीनों दलों से अगर समन्वय के साथ बात होती और एक एक सीट भी तीनों दल छोड़ देते तो शायद अखिलेश यादव का उसमें एडजस्टमेंट हो जाता। लेकिन मालेगांव और धूले, ये 2 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर एक पर कांग्रेस पार्टी और एक पर शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन दोनों से उम्मीदवार टकराने लगे। कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन न तो शिवसेना ने कोई सीट छोड़ी और ना ही कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे में इन दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। यह जरूर है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अखिलेश यादव के एक कैंडिडेट को अपने सिंबल पर एडजस्ट किया। जी हाँ, स्वरा भास्कर, आप सभी नाम जानते होंगे, और स्वरा भास्कर के जो पति हैं फहद जरार अहमद, ये यूं तो समाजवादी पार्टी से इनका जुड़ाव रहा है, अबू आजमी के बेहद करीबी रहे, और अब वो एनसीपी शरद पवार की के टिकट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जहां से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव मैदान में है। तो शरद पवार ने अपनी सीट पर एडजस्ट किया है, लेकिन वो मूल रूप से समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट माने गए हैं। और अखिलेश यादव की इस बारे में बात शरद पवार से हुई और उसके बाद ये तय हुआ। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि महाअघाड़ी में समाजवादी पार्टी सीधे तो एडजस्ट नहीं हो रही, लेकिन 2 सीटें जो उन्होंने जीती थी उसे महाअघाड़ी ने सपा के लिए छोड़ा, एक कैंडिडेट एडजस्ट किया है एनसीपी ने अपनी टिकट पर, बाकी 3 जगहों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, उनका कैंपेन चल रहा है, इसलिए अब वो उसे वापस भी नहीं लेगी, और मालेगांव, धूले जैसे जगहों पर बकायदा उनके उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में होंगे। यानी कि कई जगहों पर इंडिया गठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन को लेकर कोई कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फ्रेंडली फाइट की नौबत महाराष्ट्र में है और उसमें अखिलेश यादव का दल भी फ्रेंडली फाइट कर रहा है। खैर,
क्या होता है इस फ्रेंडली फाइट का नतीजा, ये तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस बार अखिलेश यादव झुके नहीं, इस बार अखिलेश यादव ने गठबंधन के नाम पर अपने कैंडिडेट को बाहर नहीं होने दिया और चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, देखना है आगे होता क्या है। अब अगली खबर, अब बात करहल उपचुनाव की। जी हां, करहल उपचुनाव में दोनों तरफ से जबरदस्त चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। धर्मेंद्र यादव चुनाव प्रचार में बहुत तेजी से लगे हैं ताकि तेज प्रताप यादव को जिताया जा सके। अखिलेश यादव हो चुके हैं, जा चुके हैं। डिंपल यादव लगातार सभाएं कर रही हैं और शिवपाल यादव इस सीट पर लगे हैं। यानी कि पूरा यादव परिवार, यादव कुनबा, तेज प्रताप यादव की जीत के लिए मशक्कत कोशिश कर रहा है। दरअसल ये सीट उनकी है और समाजवादी पार्टी की ये ऐसी गढ़ की सीट है जिस पर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी हारेगी। करहल के चुनाव में यूं तो सपा ने अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं अनुजेश यादव, जो कि धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं और परिवार और रिश्तेदार की ये जो लड़ाई है ये खूब चर्चा में है, उसमें एक नई चर्चा छिड़ गई है कि आखिर जब यादव परिवार की जो बेटी है, यानी कि धर्मेंद्र यादव की जो बहन है संध्या यादव, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं है। संध्या यादव आखिर अनुजेश यादव के साथ चुनाव प्रचार करती क्यों नहीं दिख रही, जब अनुजेश की माँ चुनाव प्रचार कर रही हैं, अनुजेश यादव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन संध्या यादव जो कि धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है, आखिर वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं है। ये सवाल इस दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान उठ रहा है कि क्या संध्या यादव इस मुद्दे पर अपने पति से अलग है। हालांकि संध्या यादव ने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन आज इस मुद्दे पर अनुजेश यादव ने अपना मुंह खोला और उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद उनकी पत्नी भी चुनाव प्रचार में आएंगी। वो लगातार 14-14, 15-15 सभाएं कर रहे हैं, उनकी माँ अलग सभाएं कर रही हैं, लेकिन फैमिली में इस वक्त जो ये दिवाली की वजह से वो नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव प्रचार में आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ये मान रहे हैं कि चूंकि संध्या उस परिवार की बेटी हैं और इस वजह से उन्होंने खुद को अलग रखा हुआ है, क्योंकि वो बीजेपी की सदस्य भी नहीं है। खैर, अनुजेश यादव ने क्या कहा है सुन लीजिए। और ये ऐसी सीट है जिस पर लोग ये मानकर चलते हैं कि सपा जीतेगी ही, और अनुजेश यादव को ये कहा जा रहा है कि आपसे ये सीट जीतना मुश्किल है, आप हार भी सकते हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर क्या कहा है अनुजेश ने, आज हमारे सहयोगी ने बात की, सुन लीजिए। सबसे बड़ी जो चीज देखने में आ रही है कि नामांकन से लेकर अभी तक जो आपकी पत्नी संध्या यादव वो कहीं नहीं दिखाई नहीं, 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 जा रही, जा रही है वो ना नामांकन में वो दिखाई नहीं, नहीं नामांकन में घर परिवार में तो थोड़ा कोई देखना पड़ेगा, एक दो दिन बाद वो निकलेंगे जनसभा, एक दो दिन बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ना ना ना, अरे मेरी पत्नी, मेरी पत्नी है तो मेरे साथ है, पूरा समर्थन है। और आज बात एक बार फिर होगी उस सर्राफा लूटकांड की जिसमें दो एनकाउंटर हो चुके और एनकाउंटर में दो लोगों की मौत भी हुई। जी हाँ, सुल्तानपुर का वो सर्राफा एनकाउंटर याद करिए जिसमें एक मंगेश यादव और एक अनुज प्रताप सिंह जिन्हें एसटीएफ ने ढेर किया। लेकिन आज उसी मामले में वांछित चल रहे तीन और अपराधियों में से एक अंकित यादव को प्रयागराज से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, सीसीटीवी में जो अपराधी उस वक्त दिखाई दे रहे हैं उसमें से दो का एनकाउंटर हो गया, लेकिन तीन अभी भी फरार हैं। और तीन जो फरार थे उसमें से एक अंकित यादव बगैर किसी एनकाउंटर के, ना तो कोई हाफ एनकाउंटर ना ही कोई पूरा एनकाउंटर, उसे आज एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1,00,000 का इनाम था और 1,00,000 का इनामिया बिना किसी हाफ एनकाउंटर के गिरफ्तार हुआ है। ये भी एक ऐसी बात है जो लग रहा है कि सरकार ने भी शायद एनकाउंटर को लेकर के थोड़ा नरम रुख अपना लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिससे सरकार की और प्रशासन की किरकिरी भी हुई थी। एक के बाद एक दो एनकाउंटर और आज अंकित यादव को अरेस्ट कर लिया गया। अभी भी इसमें दो और वांछित हैं। देखना है
कि क्या वो गिरफ्तार होते हैं या उनके साथ होता क्या है। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।